रसूल फरमाते तुम में से कौन है जो खुदा से तौबा करना चाहता हो, तो भला कौन सा ऐसा शख्स है जो कहेगा मैं खुदा से तौबा नहीं करना चाहता। वैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए जो कहे मैं खुदा से तौबा नहीं करना चाहता। ऐसा कब हो सकता है? छोटी सी मिसाल है, यह भी वाकया मौलवी मसनवी रूम ने इसको अपनी फारसी अदबियात में लिखा। कहते हैं कि एक शख्स है कि जो बहुत अल्लाह से मुनाजात करता है, अल्लाह से दुआ करता है। एक दिन शैतान ने उसके वसवसे जहन के जरिए पैगाम उसको दिया। शैतान ने वरगलाया उसे, कहा तू तो हमेशा खुदा से इतना गड़गड़ाता है, कभी खुदा ने तुझे लब्बैक नहीं कहा, कभी खुदा ने तुझे तेरी पुकार का जवाब नहीं दिया। बहुत गौर कीजिएगा, यह मसला खाली पुराना वाकया नहीं पड़ रहा, यह मसला आज मेरा भी और आपका भी है। सब 30 दिन हो गए मौली साहब रोजगार की दुआ मांगते मांगते, मगर एक मर्तबा भी वहां से कोई मुझे लब्बैक नहीं मिला, यानी इजाबत दुआ नहीं हुई। शायद मेरे और आपके मसाइल ऐसे हो गए कि हम कबूलियत दुआ की बुनियाद पर दुआ मांगते हैं, अगर कबूलियत न हो तो दुआ छोड़ देते हैं, कबूलियत हो तो फिर शुक्र खुदा को अदा करते हैं। तो कबूलियत दुआ की बुनियाद पर दुआ मांगने वाले घबरा जाएंगे जब ये जुमला सुनेंगे। उस शैतान ने उस राजो न्याज करने वाले बंदे खुदा से कहा तू तो खुदा से बड़ी बातें करता है, खुदा 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 करता है, रब्बी 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 करता है, आज तक तो तेरे परवरदिगार ने तुझे मुंह लगाया नहीं, तुझे लब्बैक भी नहीं कहा, तुझे यह भी नहीं कहा कि मैं हाजिर हूं। बात तो माकूल थी, अभी हम बात कर रहे हैं इंसानों के मसाइल की, वहां पहुंच के पूछेंगे माकूल क्या होता है और गैर माकूल क्या होता है। फिलहाल तो ये हमारे और आपके मौसम में लफ्ज माकूल हो गया कि भाई ठीक है आप बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने एक मर्तबा भी, खैर अब तो मैं क्या मिसाल दूं कि व्हाट्सएप पर या बास एप्लीकेशंस पर ये आसानी पैदा हो गई कि अगर आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है कि आपने पढ़ लिया, मुझे इत्मीनान है जवाब आए कि ना आए आपने पढ़ तो लिया। और अगर कभी आप जवाब ना दें या आप सिस्टम ऐसा बनाएं, इस तरह से अपनी एप्लीकेशंस को बना दें व्हाट्सएप की कि मुझ पर शो ना हो कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो मुश्किल हो जाएगी। अगर खुदा से बार बार बात कर रहे थे और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स खुदा का जवाब नहीं आ रहा, तो उसने कहा बात तो ये सही कह रहा है, उसने खुदा से दुआ मांगना छोड़ दी, खुदा से बात करना छोड़ दी। भाई जो जवाब भी नहीं देता उससे बात क्या की जाए, बात करना छोड़ दी। तो कहते हैं कि जब बात करना छोड़ दी तो फिर मुनादी गैब ने, हातिफ गैब ने उस शख्स को पुकारा, बंदे क्या बात है तूने अपने रब से बात करना छोड़ दी। ये हातिफ गैब क्या होता है, ये मुनादी गैब क्या होता है, ये कोई बाहर से कोई जिन भूत नहीं थे पुकारने वाले, ये कोई फरिश्ते परवरदिगार नहीं पुकारने वाला, बल्कि अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं कदर इंसान जो अंदर मौजूद है रूह परवरदिगार, उसने इंसान को पुकारा। शायद इसलिए कहते हैं कि इर्तकाब जुर्म पर जो टोक देता है जमीर, दर हकीकत ये इमाम असर की आवाज है। तो कोई अंदर मौजूद है जो पुकारता है इंसान को, यह अलग बात है कि उसकी आवाज को इतना म्यूट कर दीजिए कि उसकी आवाज आप तक पहुंचे ही नहीं। अब क्या कसूर बेचारे फोन करने वाले का, अगर आपने आवाज म्यूट की हुई है तो वो तो फोन कर रहा था, आपका मसला था कि आपने आवाज को बंद किया हुआ है। हातिफ गैबी ने उसे पुकारा, बंदे क्या बात है तू अपने रब से बात नहीं कर रहा। कहता है बात करके मैं क्या करूं, मुझे जवाब नहीं मिलता। तब हातिफ गैब ने कहा बंदे तुझे क्या हो गया, तेरे दिल में दुआ की तमन्ना ही तो मेरी आवाज थी, तो तुझे बार बार दुआ के लिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुआ में दिल नहीं लगता, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दुआ पर बिलीव नहीं कर रहे होते, तो जिनके खाने दिल को खुदा की तरफ से ताले लगा दिए गए हैं
वहां सब कुछ तो है मगर दुआ नहीं है। तो दुआ खुद इंसान के लिए एक ऐसा तोहफे परवरदिगार है जिसका दिल आमादे दुआ हो जाए। अब दुआ कबूल हो के ना हो, शुक्र खुदा तो अदा करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।